गरीब मरीजों से इलाज के बहाने खून चूसने का धंधा बिशनपुरा में धलड़े से फल फूल रहा है। प्रखंड के फर्जी नवजीवन पैथोलॉजी सेंटर में बीमारी की गलत जांच रिपोर्ट देकर मरीजों को और बीमार बना दिया जा रहा है। यह मामला बिशनपुरा निवासी कांति देवी के बुखार जांच के नाम पर गलत रिपोर्ट देने का मामला प्रकाश में आया है। कांति देवी ने अपर बाजार स्थित नवजीवन पैथोलॉजी में खून जांच करवाने के लिए गई थी, जिसमें पैसा बनाने के लिए पैथोलॉजी के स्टाफ ने बगैर खून सही तरीके से जांच किए हुए जांच रिपोर्ट में पीवी पॉजिटिव लिख कर दे दिया, जिसके बाद मरीज रिपोर्ट अनुसार दवा लेकर सेवन करती है, उसकी बीमारी और बढ़ते चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पैथोलॉजी स्टाफ द्वारा जांच किया गया, किट में बुखार निगेटिव बताया गया, लेकिन पैसे के लालच में रिपोर्ट में पीवी पॉजिटिव बनाकर दे दिया जाता है। यह गोरख धंधे से मरीजों को दोहरी खर्च के साथ मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसमें लैब संचालक आमदनी बढ़ाने में लगे हुए हैं, इधर मरीज गलत दवाई के सेवन से और अधिक बीमार पड़ जाता है, जिसके वजह से गरीब मरीजों का एक मोटी रकम दवा पानी में ही खर्च हो जाता है। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि पैथोलॉजी संचालक दामोदर मेहता हमेशा बाहर रहता है और बिना कुछ जानकारी के स्टाफ अमरेंद्र कुमार यादव के द्वारा मरीजों को धलड़े से लूट रहा है। साथ ही लोगों ने बताया कि इस पैथोलॉजी में सही जांच नहीं होने का मामला पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं होने की वजह से बेखौफ होकर अपना फर्जी धंधा चला रहा है। मेरी माँ नाम कांति देवी, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं अपने माँ का ब्लड जांच कराने के लिए नवजीवन पैथोलॉजी सेंटर में आया था। मैं माँ का अपना खून दिया, जिसमें उनका बुखार नहीं था, लेकिन वो मलेरिया निकाल दिए, जिससे इलाज कराने के बाद तबीयत बहुत बिगड़ गया। उनके बाद मैं इनके पास आया तो ये अपनी दिखाने लगे कि नहीं, इसमें मलेरिया है, जो किट भी साफ बताता है कि इसमें मलेरिया नहीं है। और इससे ऐसे कई लोगों के साथ एक आ चुके हैं, इन्हें जांच करनी आता है तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपने मरीज को साफ खिलवाड़ करते। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।